आज का रात मेरा आखिरी रात है, बहुत डिप्रेशन में हूँ। मुझे ये सब ना मुझे मेरे बेटे का याद दिलाता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हेलो दोस्तों, शायद आप लोग मेरा मुस्कान देख रहे हो, पर आज मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ये जो जिस घर पे मैं रह रहा हूँ, वो घर में आज का रात मेरा आखिरी रात है। इस घर पे मैं ये घर छोड़ रहा हूँ, और ये घर जो मैं तो छोड़ रहा हूँ ना, काफी सारी यादें, काफी सारे बहुत कुछ है इस घर के लिए, जिसकी वजह से मैं 2-4 दिन से इतना डिप्रेशन में हूँ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। खास करके ये जो घर है, मैं जिस घर में रहता हूँ, जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ, मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा। पर मैं डिप्रेशन में इसलिए हूँ कि काफी साल इस घर पर रहने के बाद, आप लोग भी काफी सारे लोग हैं जो रेंट पर रहने के बाद जो लोग वो घर छोड़ते हैं ना, तो बहुत दिल पे बहुत तकलीफ होता है। और खास करके मुझे तकलीफ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं इतने साल इस घर पे रहा हूँ, मेरी बीवी बच्चे के साथ, मेरा एक बेटा है, मेरा बीवी और मेरे बच्चे के साथ, मेरा बेटा जब पैदा हुआ था ना, तो हॉस्पिटल से सीधा इसी घर पे लाया था, जिसकी वजह से ना बहुत सारी यादें इस घर पे है मेरे बेटे के लिए, मेरी बीवी के लिए, मेरे के लिए। और इतने साल रहने के बावजूद भी आज मैं घर छोड़ रहा हूँ, क्यों मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले मैं अपना घर आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे मैं हमेशा यहाँ से एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद मैं अपने घर पे, अपने अपार्टमेंट में घुसता हूँ। घुसने के बाद, और ये जो गाड़ी दिख रहा है ना, गाड़ी नहीं, बस बच्चों के लिए जो है, यूरोपियन कंट्री पे एक रिवाज है कि आप हॉस्पिटल में जब भी बच्चा पैदा होते हैं ना, तो इस गाड़ी के बगैर आपको आपका बच्चा आपके हाथ में नहीं देगा। क्या बताऊं, बहुत डिप्रेशन में हूँ क्योंकि 4-5 साल इस घर पे मेरे बेटे और मेरी बीवी के साथ रहने के साथ, मेरा बेटे का पहला जन्म के बाद इसी घर पे मेरे बेटे का पहला, मैं एक्चुअली इतना डिप्रेशन में हूँ और इतना इमोशनल हूँ कि मैं बता नहीं सकता। तो यहाँ से जाने के बाद, एंटर होने के बाद, ये मेरा बाथरूम है, आप देख सकते हो, ये मेरा बाथरूम है, ये हाथ मुंह धोता हूँ, और ये तवालिया, और ये फ्रीजर लगा हुआ है, और ये आप देख सकते हो, और ये मुझे ना मेरे नहाने का जो शावर है, मैं यहाँ पर नहाता हूँ। तो खास करके यहाँ से निकलने के बाद, यह है मेरा किचन, तो ये मेरा डाइनिंग टेबल है, और आप लोग देख रहे हो, ये मेरा जैसे सब कुछ, और ये मेरा चोला, और यहाँ पर सारे सामान रखा हुआ है, और ऊपर जो है सारे सब कुछ अंदर है, मगर अभी सब कुछ मैंने, क्योंकि मैं घर चेंज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं सब कुछ, और इसके अंदर जो है सारे प्लेट वगैरह रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, ये सब सारे प्लेट वगैरह रखा हुआ है, और इसके अंदर भी
सब कुछ है, हालांकि अभी खाली है क्योंकि मैं घर चेंज कर रहा हूँ, सारे सामान मैंने। और ये जो देख रहे हो ये फ्रिज है, फ्रिज के अंदर आपको अभी खाली है क्योंकि थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है, वो भी कल डस्टबिन कर देंगे क्योंकि। और यहाँ पर ये है डीप फ्रीज, ये फ्रेंच प्रेस रखा हुआ है, और क्या करें क्योंकि अगले दिन कर छूट रहा हो, आज आखिरी रात है तो मैं लाइट बंद कर देता हूँ किचन का। और मैं अपना कमरा दिखाता हूँ, यह है अपना कमरा, यह है खिड़की, यह है टीवी। मैं पूरा आप लोगों को दिखाता हूँ जहाँ पर मैं रहता हूँ। ये जो है ना, क्योंकि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, अभी हीटर चल रहे है, यही हीटर ऑटोमेटिकली चलता है जब भी मैंने सिस्टम करके रखा है। मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा वीडियो के आखिर में। अगर 10 डिग्री के नीचे आएगा तो हीटर अपने चलेगा। और ये है पूरा मेरा जिस कमरे में मैं रहता हूँ। और ख़ास बात ये है कि ये जो कलर आप लोग दिख रहे हो ना, ये पहले था। और ये जो आर्ट दिख रही हो, ये जो आर्ट दिख रहे हो, ये जो पेंसिल से जो कुछ भी किया है वो मेरे बेटे ने किया है, जिसकी वजह से इस मेरे बेटे का उम्र है अभी 2.5 साल है, तो मेरे बेटे ने जो ये सब की है ना दीवार पे, जो आर्ट की है ना, आर्ट नहीं है ऐसे पेंसिल से ये सब की है ना, मैंने जानबूझ के इस घर को मैंने कुछ नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि मैं पूरा दिन मेहनत करने के बाद मैं जब घर आता हूँ, मुझे ये सब ना मुझे मेरे बेटे का याद दिलाता है। पर इतने सालों के बाद भी मैं जो ये घर छोड़ रहा हूँ, इस घर छोड़ने का कारण क्या है, ये घर छोड़ रहा हूँ हर महीने आपको, आप लोगों को मैंने पूरा घर दिखाया। ये घर छोड़ने के कारण ये है क्योंकि मैं अभी अकेला रहता हूँ, मेरे बीवी बच्चे अभी इंडिया में हैं, तो जिसकी वजह से इस घर का किराया करीब 600 यूरो, ऊपर से बिजली, गैस और पानी का बिल कुल मिला के 900 यूरो। 900 यूरो का मतलब करीब 75,000 से 80,000 रुपये इंडियन करेंसी 75,000 से 80,000 रुपए में इस घर का किराया देता हूँ, गैस, पानी, बिजली और घर का किराया कुल मिला के। तो जिसकी वजह से मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे अकेले रह के इतना पैसा हर महीने देना मैं मुनासिब नहीं समझा, जिसकी वजह से मैं ये घर छोड़ रहा हूँ। तो काफ़ी सारी यादें हैं इस घर पे, मैं जब आता हूँ, इतने साल रहा हूँ इस घर पे, मेरे बीवी बच्चों की, तो मैं बहुत इमोशनल हुआ आज। एक्चुअली मैं कुछ कहने के लिए कुछ है ही नहीं है मेरी, मुझे इतने साल रहने के बाद, आप लोग भी एक घर पे इतने साल रहने के बाद जब ये घर कोई घर छोड़ेंगे ना, तो आपका भी यही फीलिंग्स होगा। खैर आज के लिए इतना ही, पर मेरे अगर आप लोग मेरे वीडियो को लगा हो, कोई भी ब्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक, कमेंट्स और शेयर कर देना, ठीक है भाई। और बहुत आज बहुत ही मुश्किल
कुछ कहने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं आज डिप्रेशन में ये ब्लॉग बना रहा हूँ। पिछले एक हफ्ते से कोई भी ब्लॉग मैंने किया नहीं है और कोई ब्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया, बस इसी डिप्रेशन के लिए।